वाओ, इस ब्लैक ड्रेस में तो मैं बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ और मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ अपने 24 मिलियन सेलिब्रेट करने के। ये स्टाइल भी आज मैंने काफी अच्छी बना ली है, बस मुझे किसी की नजर ना लग जाए। चलो अब मैं चलती हूँ। लेकिन केक, मेरा तो कोई केक लेकर ही नहीं आया होगा, किसी को पता ही नहीं होगा मेरे 24 मिलियन हो गए हैं यूट्यूब पर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम मिल गई मेरे को यार, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। घर में कोई ऐसे ढूंढता है क्या? हर तरीके से ढूंढा, तुम नहीं मिली तो फिर ऐसे ही ढूंढना पड़ा तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करा है। तुम्हारी बहन? हाँ। हमारी दीदी? हाँ भाई हाँ। क्या सरप्राइज? तुम्हारे 24 मिलियन हुए ना अभी, उसी का सरप्राइज है। दीदी ने किया? हाँ। तुम उसको बेकार समझती हो क्या? नहीं नहीं, बहुत बेकार। और एक काम करो, तुम जाओ, मैं बाल कटवा के आऊंगा अपने, ठीक है? अरे लेकिन सरप्राइज। अरे ठीक है ना यार, तुम जाओ, मैं आता हूँ फिर बाद में, ठीक है? ठीक है भाई। इस केक को तो पूरा मैं ही खाऊंगी। 1 2 3 सॉरी 1 2। केक देख के तो मैं गिनती भूल गई हूँ। अरे लग रहा है भाभी आ रही है। इतु बितु जिन पतु ता। गायब कर दिया केक। अरे दीदी, अरे आप पीछे से आ गई और इधर उधर क्या देख रही हो? आप ही को ढूंढ रही थी पूरे घर में। अरे मैं तो ये रही ना व्हाइट ड्रेस में, आप इधर उधर क्या देख रही हो? वो आपके भैया बता रहे थे कि कुछ स्पेशल और सरप्राइज है मेरे लिए, तो दीदी बस वही देख रही थी। कौन दे रहा है आपको स्पेशल और सरप्राइज? कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेशल, बस मैं रेडी हो गई हूँ। मैं उम्मीद भी किससे रख रही हूँ, इनकी तो बस की अपने आप को गिफ्ट देना नहीं है, मुझे तो खाकी देंगी। अच्छा अच्छा, मुंह टेढ़ा मत करो। और मन मन में क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? सब पता है मुझे, सुन लेती हूँ मन की बातें मैं। दीदी ये क्या बोल रही हो? मैं तो आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं तो छुपी रहती हूँ। आप ही बोलती हो मेरे बारे में, मम्मी के बारे में तो आप बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे बारे में आप सब बोलती हो, मुझे सब पता है। ऐसी कोई बात नहीं दीदी, वो तो आपके भैया ही कह रहे थे कि कुछ सरप्राइज है, तो मैं एक्साइटेड होकर आपके पास भागी चली आई। मैं आपके पास भागी क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मेरा जादू देखो। इतु बितु जिन पतु ता। केक? हाँ भाई मेरे बाल। सॉरी बचा के। 24 मिलियन का केक, वो भी 2 मंजिला केक। हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके 24 मिलियन हो गए। सच में दीदी आपको बहुत खुशी है? हाँ हाँ मुझे बहुत खुशी है, मेरी ड्रेस मत गंदी करना इस खुशी में। सच में यार 24 मिलियन बहुत बड़ी चीज है, और ये भी खुश हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर मन में बकवास कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो तारीफ करी थी इस बार। हाँ अब मैं इसको खा रही हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे रुको रुको, अभी नहीं खाना। आपको पता नहीं हम कहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं, वहीं चलना है हमें। सेलिब्रेट कहाँ? अरे रुको अभी बताती हूँ। इतु बितु जिन पतु ता। ये हम कहाँ गए? ये तो जाना पहचाना सा जगह है। अरे वही जगह है जहाँ पे आपकी सुबह शाम और रात बीतती है। वो क्या है, सब्जी काट के रखी हुई है, बनाएगा कौन? और वो बर्तन इतने सारे पड़े हुए हैं, धोएगा कौन? ये सब खत्म करने के बाद केक कट होगा, वरना ना कट होगा ना एक पीस मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं पहले सब्जी बना देती हूँ दीदी। समझ गई आप, मुझे लगा जुबान लड़ाओगी। सेलिब्रिटी मत समझना 24 मिलियन लेके अपने को। आजकल लोग खुद को बहुत सेलिब्रिटी समझते हैं, थोड़े से फॉलोवर्स क्या बन जाते हैं, समझी? सब्जी बनाओ, बर्तन धो, फिर आना केक कट करेंगे। ठीक है दीदी। नकचड़ी कहीं की चुड़ैल डायन, जितनी चीजें बोलूं उतनी कम है, लेकिन अब क्या करूं, पहले तो मुझे खाना ही बनाना पड़ेगा। मेरी किस्मत में बस खाना बनाना ही लिखा है, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, बाहर जाके कितना भी कमा लूं, लेकिन घर में आके तो मुझे खाना ही बनाना है। एक काम करती हूँ, इत्तु बित्तु करके खाना बना देती हूँ, जैसे दीदी जादू करती है। हाँ इत्तु बित्तु चिन पतु ता। ये तो जादू हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये जादू सिर्फ दीदी पर काम करता है। आई थी 24 मिलियन लेके सेलिब्रिटी बनने वाली, दिखा दी ना असलियत। अब रोटी बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, अब बर्तन धोएंगी, उसके बाद ही केक कट होगा, वरना तो केक कट करने नहीं दूंगी।